हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 पर, जो कि रिलेटेड होगा आरबी गवर्नर्स और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर सर। ठीक है, आरबी गवर्नर्स और उससे फैक्ट्स की अगर बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संचालन मंडल में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, जो कि मैं बता चुका हूं, लेकिन 5 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। अब हमें यहां पर थोड़ा सा गवर्नर्स के थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पोर्शन को देखना पड़ेगा, जहां से एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है। सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीआई गवर्नर्स और से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ बड़े फैक्ट्स होंगे जो कि मैं अलग से आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आरबीआई के गवर्नर भारत की केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय रुपया मुद्रा नोटों पर गवर्नर के हिसाब से, ये को बेसिक जानकारी है जो कि आप सभी लोगों को पता है। बात आती है, हु अपॉइंट्स द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ध्यान ना, भारत सरकार करती है। बट भारत सरकार में कौन करता है? ध्यान रखना, द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है भारत सरकार की, उनके द्वारा गवर्नर्स और डेप्टी गवर्नर्स का चुनाव किया जाता है सर, कि किसको अपॉइंट करना, किसको नहीं, किसको रीअपॉइंट करना, किसी कार्य बढ़ाना घटाना, ये द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा तय किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा तय किया गया था कि जो शक्तिकांत दास जी है उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया था 22 जून तक के लिए सर। ठीक है, अब बात करते हैं जो गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अपॉइंटमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, यानी गवर्नर ऑफ इंडिया द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर बात करें, गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है सदन, 3 साल कार्यकाल होता है, प्लस 2 ईयर्स का उनको एक्सटेंशन दिया जाता है, और उसके बाद उनका कार्यकाल 5 साल होता है, और उसके बाद उनको फिर से दोबारा रीअपॉइंट भी किया जाता है। अगर बात करें, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है सर। और जो गवर्नर्स की सैलरी होती है, ध्यान रखना, आरबीआई गवर्नर की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये सर। ध्यान रखना, गवर्नर की सैलरी 2.5 लाख। देखिए, भारत के अंदर जितने भी सेक्रेटरीट की पोस्ट होती है सर, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, तो जो गवर्नर्स होता है वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी के पावर के इक्विवेलेंट होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी किसे बनाते हैं? ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को ही कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है, और उसको पावर भी, सैलरी जो होती है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट मिलती है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी सैलरी भी 2.5 लाख है, और जो आरबी गवर्नर से उनकी सैलरी भी 2.5 लाख, लेकिन डेप्यूटी गवर्नर की सैलरी 2,25,000 रुपये होती है सर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए सर। अब हम बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब शुरुआत होती है, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई स्टैब्लिश होता है कोलकाता में, तो उस समय आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे उनके नाम की बात करते हैं। देखिए, अब यहां पर बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम है सर ऑस्बर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर थे मिस्टर ऑस्बर्न स्मिथ, उनकी पिक आप देख सकते हैं। सर ऑस्बर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, 1935 से 1937 तक ये आरबीआई गवर्नर है सर। मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस कारण इनको हटा दिया गया, लेकिन इनके जो डेप्यूटी गवर्नर थे उन्हीं को प्रमोट करके गवर्नर बनाया गया। देखिए, आगे आ जाते हैं आपके सामने, यह है मिस्टर जेम्स बी टेलर्स, जो कि आरबीआई के फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं और सेकंड गवर्नर थे सर। ध्यान रखना, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑस्बर्न स्मिथ, और फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर कौन बने थे? वो थे सर जेम्स टेलर, लेकिन ये सेकंड गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने सक्सेसफुली 5 साल का कार्यकाल अपना पूरे किया था, 1937 से 1942 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे सर। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो आरबीएसटी के तीसरे लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर है, ध्यानना, आरबीएसटी के तीसरे लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर है सर सीडी देशमुख। ठीक है, ध्यान का नाम था सर सीडी देशमुख। सर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उससे ब्रिटिश शासन चल रहा था, और ब्रिटिश शासन के अनुसार इस पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि मिलती थी, और जिसको नाइटहुड की उपाधि मिलती थी उसको सर लगाया जाता था सर। ठीक है, तो सीडी देशमुख जी के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, 1959 देशमुख वाज अ को रिसिपिएंट अलोंग विद जोश एगुलर ऑफ द फिलीपींस ऑफ द रेमन मैक्सेस अवार्ड। ध्यान रेमन मैक्सेस अवार्ड, 1959 का रेमन मैक्सेस अवार्ड, जिसको ध्यान रखिएगा, इसको एशिया नोबेल
अवार्ड भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया का नोबेल अवार्ड कौन है? रेमन मैक्सेस अवार्ड है। तो फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा ये अवार्ड दिया था। तो 1959 का रेमन मैक्सेस अवार्ड के विनर कौन है? मिस्टर देशमुख रहे, सी डी देशमुख जी को ये अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा देखिए, सी डी देशमुख वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ही प्रेजेंट एंड इंटरिम बजट फॉर द 1951-52। तो देखिए, सी डी देशमुख जी की बात की जाए तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर रह चुके हैं सर, ठीक है, प्रथम भारतीय, लेकिन कुल तीसरे आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं सर। दूसरी बात, इनको 1959 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो कि फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, और इसे हम एशियाज नोबेल अवार्ड भी कहते हैं। इसके अलावा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर 1951-52 का इन्होंने इंटरिम बजट भी पेश किया था। ध्यान रखना, एक बार 52 का इंटरिम बजट भी ये पेश कर चुके हैं। तो तीन चार इंपोर्टेंट दिन के बारे में ध्यान रखिएगा सर। सी डी देशमुख के बाद जो फोर्थ नंबर के गवर्नर्स आते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। आरबीएसटी के जो फोर्थ गवर्नर्स हैं उनका नाम है बेनेगल रामाराव, ये उनकी पीके आप देख सकते हैं। फोर्थ आरबी गवर्नर है मिस्टर सर बेनेगल रामाराव। अब बेनेगल रामाराव जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, अभी कुछ समय पहले एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के वो गवर्नर जिनके नाम पर सबसे लंबा कार्यकाल दर्ज है सर, यानी लॉन्गेस्ट टेन्योर आरबीआई गवर्नर। तो ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1949 से लेकर के 14 जनवरी 1957 तक, यानी लगभग 7 साल से कुछ महीने कुछ दिन बड़े, 7 साल कुछ महीने जो है आपके का कार्यकाल रहा है सर, लगभग 8 ईयर्स मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ, ठीक है, 7 साल से कुछ महीने से ज्यादा इनका जो है कार्यकाल रहा है सर। तो सबसे लंबा कार्यकाल एज ए गवर्नर अगर किसी का रहा है तो है सर बेनेगल रामाराव जी। ध्यान रखिएगा, सर बेनेगल रामाराव आरबीआई के चौथे गवर्नर थे, लेकिन सबसे लंबा लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए आरबीआई गवर्नर तो यह है सर बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव के बाद अब आ जाते हैं सीधा, हम लोग सबको छोड़ दीजिए और 13वें गवर्नर पाते हैं, ये आप पिक देख लीजिए, ये हैं 13वें गवर्नर जिनका नाम है एम नरसिम्हन। ध्यान रखिएगा, आरबीआई के 13वें गवर्नर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर एम नरसिम्हन को बोला जाता है फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। ध्यान रखना, इनके रिगार्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलग से बताऊंगा, ठीक है। डॉक्टर एम नरसिम्हन जी की बात की जाए, इनको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कहा था। कुछ थोड़ा बेसिक बता दूं, 1991 का जो बैंकिंग क्राइसिस था उसको रिसॉल्व करने में, देश की इकोनॉमी रिसॉल्व करने में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और इस पीरियड में इन्होंने देश के अंदर न्यू बैंक लाइसेंस की रिकमेंड की थी। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश थी कि भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन लेवल ना के बराबर है, और इस कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ाने के लिए हमें नए बैंकों को लाइसेंस देना चाहिए, और इसी कड़ी में देश के अंदर 2001 में और 2013 के पीरियड में बैंकों प्राइवेट कंपनियों को बैंकिंग के लाइसेंस दिए गए ताकि कंपटीशन में बढ़े। और आप देख सकते हैं उसी रिकमेंडेशन का नतीजा है कि आज का बैंकिंग सेक्टर आज कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कितना बेहतर आधुनिक तरीके से वो काम करता है। अगर आप देखें 2000 से पहले के जो बैंक सिस्टम था उसमें सड़ी गली बिल्डिंग होती थी सरकारी बैंकों की सर, और इस काम करने का मतलब है बैंकों में जाने का मतलब है कि लंबी लंबी लाइनों में लगना, लेकिन आज ये काम चुटकियों में जल्दी हो जाता है, ऑनलाइन मोड पर हो जाता है। तो इन सब के पीछे जो है ये जो नए बैंक खुले गए हैं, जो कॉम्पिटिशन बढ़ा है, तो कॉम्पिटिशन में हर व्यक्ति ने हर बैंक ने अपने आप को अपग्रेड किया है और सुविधाओं पर ध्यान दिया है, और यही कारण है कि आज बैंकिंग जो है काफी वर्ल्ड क्लास लेवल की हमारी हो चुकी है। तो डॉक्टर एम नरसिम्हन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म। ये जो मैं बता रहा हूं आपके लिए कि किस किस पीरियड में कैसे कैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, कैसे खुले, ये आने वाले जो वीडियोज आ रहे हैं उनके अंदर मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए, डोंट वरी। तो फिलहाल 13वें गवर्नर है मिस्टर आरबीआई के एम नरसिम्हन। अब इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा, एम नरसिम्हन जी की मृत्यु हो चुकी है 20 अप्रैल 2021 को। तो ये करंट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा कि बताइए हाल ही में किस आरबीआई गवर्नर की मृत्यु हुई है, तो वह है एम नरसिम्हन जी। या पूछ सकता है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्मिंग के पितामह जिस गवर्नर को कहा जाता है उनका नाम क्या है, तो नरसिम्हन। या बैंक सेक्टर रिफॉर्मर के पितामह का भी हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या था, तो नाम बता दीजिएगा। कौन से नंबर गवर्नर था बता देंगे, कब हुई थी मृत्यु, कि 2021 में हुई थी सर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप इनको पहचानते अच्छी तरह से, परिचय का मोहताज नहीं है, हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर पढ़े लिखे अगर कोई व्यक्ति है तो यही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात की जाए तो एज ए आरबी गवर्नर 82 से 85 पीरियड का इनका कार्यकाल था, और ये आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। आरबीआई को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में इनका काफी बड़ा योगदान रहा। इनके द्वारा लाई गई इकोनॉमिकल पॉलिसी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी जो मेथड है वो आज भी ध्यान किया जाता है, और उसके बिना इकोनॉमी की हम कल्पना भी नहीं करते। आज इकोनॉमी में जो बूम है उसके एक सबसे बड़ा कारण इनका है। तो देश में जो आर्थिक सुधार औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई है इन्हीं के द्वारा दिन की गई। 15वें गवर्नर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 82 से 85 का पीरियड था सर।
लड़की का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगर बात की जाए तो न्यू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 91 में। क्वेश्चन एग्जाम पूछ चुके हैं कि बताइए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जनक कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, या नई इकोनॉमी नई आर्थिक सुधार का दौर कब से चला, 91 चला, किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इस पॉलिसी की खासियत क्या थी, इसमें तीन मेथड मिले थे, लिबरलाइजेशन, सेकेंड प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीन मेथड के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसको बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ गवर्नर्स के ऊपर, तो गवर्नर्स की हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं आरबीआई के 16वें गवर्नर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके देना। आरबीआई के 16वें गवर्नर का नाम है डॉक्टर अमिताभ घोष। अब इनके बारे में खासियत क्या है, डॉक्टर अमिताभ घोष के नाम पर रिकॉर्ड है सबसे कम समय, यानी कि मात्र 20 दिन के गवर्नर, यानी एज ए टेन्यूर बात की जाए लॉन्गेस्ट टेन्यूर था बेनीगल रामाराव जी के नाम पर जो कि 4th गवर्नर थे, लेकिन 16वें गवर्नर जो है डॉक्टर अमिताभ घोष, इनके नाम दर्ज है सबसे कम समय के लिए बने आरबीआई गवर्नर, मात्र 20 दिन के। ही सर्व फॉर 20 डेज फ्रॉम 15 जनवरी टू 4 फरवरी 1985, यानी कि 15 जनवरी 1985 को ये गवर्नर बने थे और जस्ट 20 दिन बाद 4 फरवरी 1985 के दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया सर, ठीक है। और बाद में 90 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी 16 सितंबर 2020 को। तो ध्यान, इनका भी हाल ही में यानी 2020 में निधन हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरबीआई के वो गवर्नर जिनके नाम दर्ज है शॉर्टेस्ट टेन्योर का रिकॉर्ड एज ए आरबीआई गवर्नर, तो वह है अमिताभ घोष, या हाल ही में इनका निधन हुआ, तो ध्यान रखना 2020 में निधन हुआ। तो हिज टर्म वॉज द शॉर्टेस्ट एवर सर्व्ड बाई एनी आरबीआई गवर्नर, ही डाइड एट 19 सितंबर 2020। तो इस बात को ध्यान रखना, अमिताभ घोष जो थे सबसे कम से मात्र 20 दिन के लिए बनाए गए आरबीआई गवर्नर हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनने की संभावना पूरी पूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट हमारे सामने आता है 21वें गवर्नर आरबीआई के, तो इनका नाम है वाई वेणुगोपाल, यानी वाई वी रेड्डी जिसको बोलते हैं, ध्यान रखिए वाई वी रेड्डी जी की बात की है, तो 21वें गवर्नर है जो कि पूर्व वित्त सचिव भी भारत के सदन, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाई वी रेड्डी, जो कि 21 गवर्नर भी रह चुके हैं, या उनका फोटो देख सकते हैं। तो 21वें गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। और गवर्नर के बाद इनको 14th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया। 14th फाइनेंस कमीशन की अगर बात किया जाए तो फाइनेंस कमीशन कैसे वर्क करता है, इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो ये हम पॉलिटी की जब वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो उसमें पूरा डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपरली फाइनेंस कमीशन कैसे वर्क करता है। फिलहाल आपके लिए ये करंट में पूछ सकता है कि 14 फाइनेंस कमीशन वाई वी रेड्डी थे, तो बताइए 15वां जो प्रेजेंट में 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन जो है उनका नाम ध्यान रखिएगा एन के सिंह, ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है और 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है एन के सिंह, इसको भी ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। 21वें के बाद अब आ जाते हैं अगले गवर्नर पर जो कि 22वें हैं, 22वें आरबी गवर्नर का नाम है डी सुब्बाराव, ये इनकी पिक आप देख सकते हैं, डॉक्टर डी सुब्बाराव जी, ठीक है, जो आरबी के 22वें गवर्नर थे। इनके कार्यकाल में अगर बात की जाए तो एक द जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो था उनको जो कि नॉन शेड्यूल बैंक था उसे शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया था सर, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल 22वें गवर्नर कौन थे, डॉक्टर डी सुब्बाराव जी, तैयार रखिएगा, इसके अंदर से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं आरबीएसटी के 23वें और अब तक के सबसे यंगेस्ट गवर्नर, नाम आप समझ गए होंगे, डॉक्टर रघुराम जी राजन, रघुराम गोविंद राजन, ये रहा इनका पिक। शानदार व्यक्तित्व के धनी है, दुनिया के माननीय इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत ही कम एज में आरबीआई गवर्नर्स में सबसे कम एज में एज ए गवर्नर इन्होंने कार्यकाल संभाला था। इन्होंने देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है सर। 2013 का जो समय था उस पीरियड में देश की इकोनॉमी जो काफी संकट से गुजर रही थी उस टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी भरोसा किया और इनको देश का गवर्नर बनाया और इन्होंने अपना दायित्व निभाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है सर, ठीक है। और इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी गई हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो मैं आपके सामने बुक्स ला रहा हूँ। रघुराम राजन जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है उनमें से पहली बुक का नाम है फॉल्ट लाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक के माध्यम से इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का खाचा सीखा था कि कहाँ पर इकोनॉमी गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी के बारे में उन्होंने बताया था कि 2013 तक इकोनॉमी आपकी डाउन हो सकती है अगर आपने उसको ठीक नहीं किया। तो फॉल्ट लाइन इन्हीं चीज़ों पर इंगित किया गया था सर, ठीक है, दुनिया के माननीय इकोनॉमिस्ट इसलिए। इसके बाद में बुक लिखी आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। तीसरी बुक का नाम है द थर्ड पिलर, इसको भी ध्यान रखिएगा। और चौथी बुक का नाम है व्हाट द इकोनॉमी नीड नाउ, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है सर। और पांचवी और आखिर जो बुक है इनकी वह है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट,
ठीक है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन के द्वारा लिखी गई हैं। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इनके द्वारा लिखी बुक कौन सी है या ये बुक किसने लिखी है, तो आपको ध्यान रखना होगा इन पांच को के साथ। ठीक है, जो लोग नए चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। ठीक है, आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना हमारा हौसला बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं सर। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। अब आगे हम बात करते हैं 24वें गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल। ये आप सभी को पता है आरबीआई के जो 24 गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित आर पटेल। और इनके टाइम पीरियड में जो एक्टिविटीज होती है, तो याद रखिएगा जो भारत में एमपीसी का गठन हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, वो इन्हीं के कार्यकाल में स्टेब्लिश हुआ सर। और डॉक्टर उर्जित पटेल जी के द्वारा एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी टू अपडेट एंड रिव्यू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसमें इन्होंने देश के मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम को बदलने की वकालत की थी सर। और इन्हीं की बदौलत जो है आज का मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम क्वार्टरली न होकर के बाई मंथली है, यानी पहले 90 दिन के अंतराल पर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता था और आज हम करते हैं 16 डेज के अंतराल पर, यानी कि हर दूसरे महीने करते हैं, यानी साल में कुल 12 बार हम लोग रिव्यू लेते हैं सर। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू सिस्टम में जो बदलाव हुआ है वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पर हुआ है सर। ठीक है, इस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा आने वाले टाइम के अंदर सर। आते हैं प्रेजेंट के 25वें गवर्नर, यानी एट प्रेजेंट 25वें आरबी गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास। ये रहे डॉक्टर शक्तिकांत दास जी। ठीक है, तो शक्तिकांत दास जी आरबीआई के जो है 25वें गवर्नर है और प्रेजेंट गवर्नर ध्यान रखिएगा, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा सर, आरबीआई की सुप्रीम अथॉरिटी सर। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मेन मेन गवर्नर्स हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है सर। अब प्रेजेंट में जो चारों डेप्टी गवर्नर से उनको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सर। देखिए, जो डेप्टी गवर्नर से गेट अ फिक्स सैलरी ऑफ ₹2.25 लाख पर मंथ प्लस अलाउंसेस। तो जितने भी हमारे डेप्टी गवर्नर से उनकी सैलरी कितनी है 2.25 लाख पर मंथ है और प्लस साथ में अलाउंस मिलते हैं। तो डेप्टी गवर्नर की बात की जाए तो प्रेजेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेप्टी गवर्नर से इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा आज जैसे 11 मार्च 2022 है, तो आज की डेट तक जो डेप्टी गवर्नर से अपडेटेड डेप्टी गवर्नर से वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इनकेस अगर आप वीडियो कुछ समय बाद देखते हैं, 6 महीने बाद या साल भर बाद देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो हो सकता है उस सब डेप्टी गवर्नर बदल गए हो, तो आप इनको आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के एक बार चेक जरूर कर लीजिए सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहले डेप्टी गवर्नर आते हैं ये है मिस्टर एम के जैन, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनको 2 साल का एक्सटेंड दिया गया है, महेश कुमार जैन। ठीक है, दूसरे जो आरबीआई के डेप्टी गवर्नर का नाम है माइकल डी पात्रा। ठीक है, और तीसरे आरबी गवर्नर का नाम लिखिए एम राजेश्वर राव जी हैं सर। ठीक है, इनका अपॉइंट किया गया है। और चौथे और सबसे लेटेस्ट जिनका अभी 2021 में अपॉइंटमेंट हुआ है टी रविशंकर। तो प्रेजेंट में ये चार डेप्यूटी गवर्नर से इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, नाम दोबारा देख लीजिए, एम के जैन यानी महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। तो प्रेजेंट के जो गवर्नर्स हैं डेप्यूटी गवर्नर से उनकी सैलरी और इनके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश की है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम बनेंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब मैं क्लास को ओवर करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन जूम क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद हम आपके जूम क्लासेस को इस पर करा सकते हैं सर। ठीक है, ओनली जीए और जीएसएस की क्लासेज होंगी, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी के लिए आप उस लिंक पर भर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं, यानी फुल टाइम कोर्स या क्रैश कोर्स के फॉर्म में आप उसको फिल कर सकते हैं और उसके भी पर डेटा के आधार पर हम आपका बैच बना करके आपको ऑनलाइन क्लासेज यहाँ से प्रोवाइड करेंगे सर। ठीक है, ओके, क्लास आज के लिए इतना रखेंगे सर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you.